लगातार थाने में उद्धव ठाकरे गुट के एक महिला कार्यकर्ता पर हमला किया गया। इस हमले में वे महिला जख्मी हुई। इसी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। ठाकरे के इस वक्तव्य पर देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि जिन्होंने 2.5 साल घर में बैठकर काम किया हो उन्होंने ये मांग नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे गृह मंत्री बनने से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है मगर मैं गृह मंत्री पद छोड़ूंगा नहीं। आशा है कि कुठल्याही गोष्टीचं एखादी घटना घडली तर त्याची निष्पक्ष चौकशी ही निश्चितपणे आमचं सरकार करेल, पण त्याचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये। राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला तर ते योग्य देखील होणार नाही, त्यामुळे त्या संदर्भातही उचित चौकशी होईल। जे घडलं असेल, कोणी चूक केली असेल, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल। जाणीवपूर्वक तुम्हाला टार्गेट केलं जात आहे का अशा पद्धतीनं? असं आहे की चाणक्य एकदा असं म्हणाले होते की ज्यावेळी राज्यातले चोर डाकू लुटेरे किंवा अपप्रवृत्तीचे लोक हे राजाच्या विरुद्ध बोलतात त्यावेळी समजायचं राजाने योग्य काम चालू केलेलं आहे। आणि मी राजा नाही, पण तरी देखील तुमच्या हे लक्षात येत असेल चाणक्य जे म्हणाले तेच आता खरं होत आहे। उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है उससे नीचे की भाषा मुझे आती है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेशन में है, 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, घर से बाहर नहीं निकले, घर से कार्य किया, जनता में कभी गए नहीं, इसलिए उनके बारे में जनता जानती है। और एक ऐसे कमज़ोर मुख्यमंत्री जिनके दो दो मंत्री जेल में जाने के बावजूद उनका इस्तीफा नहीं ले पाए क्योंकि कुर्सी जाने का डर था, वाजे जैसे ब्लैकमेलर को पुलिस फोर्स में लेकर उसको बचाने का काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनको महाराष्ट्र की और देश की जनता ने देखा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं कोई महत्व नहीं देता जो सत्ता के लिए विचारों को लात मारते, कुर्सी के लिए विचार छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मैं बोलूँ ये मुझे ठीक नहीं लगता।